हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी सुप्रीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी स्किन पर जायफल के बेनिफिट्स की, कि किस तरह से इसके यूज़ से हम अपने फेस पर पड़े झुर्रियों, झाइयों, गहरे दाग धब्बे, पिंपल्स के निशान को दूर कर सकते हैं और फेस को ग्लोइंग और यंग बना सकते हैं। जायफल एक आयुर्वेदिक रेमेडी है जो बहुत सालों से यूज़ होती आ रही है। जायफल को नटमेग भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह से इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो मैं आपको तीन तरह से इसे अपने फेस पर लगाना बताऊंगी। इन रेमेडी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये 100% वर्क करता है और फेस को क्लियर करता है, जिससे फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। इन रेमेडी को डेली यूज़ करने से ही बेनिफिट होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। जायफल का फेस पैक बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये जायफल ले रही हूँ। अब हम इन्हें या तो आप इन्हें कूट कर थोड़ा दरदरा और फिर मिक्सी में इनको बारीक पाउडर बना लें इसका, या फिर इसे मसाला कूटने वाली जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं उसमें भी कूट सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको इसको ग्रेट करके दिखाऊंगी। इसका हम बारीक पाउडर बना लेंगे। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इजीली ग्रेड हो जाता है। इस तरीके से आप इसका बनाकर रख सकते हैं और जिस टाइम आपको यूज़ करना है उस टाइम फ्रेश इसको लेकर, इसके पाउडर को लेकर आप मिक्स करके लगा सकते हैं। वो मैं आपको भी बताऊंगी किस तरीके से हमें ये लगाना है। इस तरीके से ये देखिए कितनी इजीली ये ग्रेड हो गया है। देखिए कितना इजीली ग्रेड हो रहा है ये। हमें इतना ही चाहिए इसलिए मैंने इतना ही लिया है। ये हमारा बिल्कुल बारीक पाउडर बन गया है। अब हम लेंगे सबसे पहले एक बाउल, उसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच कच्चा दूध और 1/4 स्पून जायफल पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आप थोड़ा सा, अगर इस तरीके से भी नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट शेल्फ पर इसको थोड़ी, उसको हम घिसकर भी, दूध में घिसकर भी लगा सकते हैं इस तरीके से। इसको हम 2 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाए। ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे इस तरीके से लेते हुए उंगलियों की मदद से, फिंगर टिप की मदद से इस तरीके से पूरे फेस पर लगा लेंगे। इससे फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा, फेस का कलर भी, स्किन का कलर भी निखर जाएगा। इस तरीके से लगाकर आप इसे 15 मिनट तक इसी तरीके से रहने दें और फिर बाद में जब ये सूख जाएगा, 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लें। ये स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो लाता है, पिगमेंटेशन, जो दाग धब्बे होते हैं उन सभी को, उन सभी में रिलीफ लाता है। हम लेंगे 1 टीस्पून हनी। हम यहाँ हनी लेंगे। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, जिनको पिंपल्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जिनको पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी है। पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, वो गारंटीड इस रेमेडी से जो मैं पैक बता रही हूँ इनसे चली जाती हैं। इस तरीके से ये पैक हमारा रेडी हो गया है। और इसे किस तरीके से लगाएंगे, अपने पूरे फेस पर इस तरीके से लगाएंगे, जहाँ पर भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स के निशान हैं, ये इस तरीके से, और ये लगाएंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा फेस पर ग्लो भी आ जाता है, स्किन की टोन भी 1 से 2 शेड लाइट हो जाती है। इस तरीके से इसको लगाएंगे।
जहाँ पर पिगमेंटेशन है वहाँ पर भी लगाएंगे, जहाँ डार्क सर्कल आपके अंडर आई डार्क सर्कल भी हो तो वो भी इन रेमेडियों से चले जाते हैं। मगर कोई भी रेमेडी आप लगाते हैं तो उसको 15 से 20 दिन ज़रूर लगाएं, तभी उसका इफ़ेक्ट दिखना आपको स्टार्ट होगा। और इसको 20 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने दें और बाद में नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लें। अब सबसे पहले हम लेंगे एक चम्मच एलोवेरा जेल, उसके बाद हम लेंगे हाफ विटामिन ई का कैप्सूल, मैंने हाफ ही डाला है यहाँ पर। अगर जिन्हें पिंपल की प्रॉब्लम है तो वो इसे सिर्फ एक ड्रॉप डालें, ज़्यादा नहीं, एक से दो ड्रॉप डालें। और यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर ले रही हूँ। इनको सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, फाइन पेस्ट बन गया है। और इसको हम इस तरीके से करके और फिंगर टिप की मदद से इसको इस तरीके से लगाएंगे और इसे ओवरनाइट रखेंगे। इसको इस तरीके से लगाकर हम अंडर आई जो हमारे डार्क सर्कल हैं उन पर 2 मिनट तक मसाज करेंगे। इजीली अपनी इस फिंगर से, आप रिंग फिंगर से अपनी आंखों के आसपास इस तरीके से मसाज करें और फिर इसे इसी तरीके से छोड़ दें। ये ओवरनाइट इसे रख सकते हैं आप, पूरी रात इसे इसी तरीके से रहने दें और मॉर्निंग में आप फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। ये तीनों रेमेडी बहुत ही अच्छी हैं, ये आपके फेस से झुर्रियाँ पिगमेंटेशन के लिए तो ये रामबाण है। दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स, जिनको पिंपल्स के दाग रह जाते हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव रेमेडी है। फेस पर ग्लो लाती है, स्किन टोन को लाइट करती है। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।